हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही अपने पर्सन को प्रपोज़ किया था और कुछ के पर्सन ने उन्हें प्रपोज़ किया था, ऐसा भी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि आपकी तरफ से ही आपके पर्सन को प्रपोज़ल दिया गया था और उस समय आपके पर्सन ने शायद आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पर्सन ने उन्हें प्रपोज़ल दिया था लेकिन आपकी तरफ से आपने ये सोचा कि अभी आप अपने पर्सन को ठीक से जानते नहीं तो कैसे उनके साथ रिश्ते में आ जाएं। तो इस वजह से शायद आपने भी उनसे कहा होगा कि आप थोड़ा टाइम और लेना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ हुआ है। तो किसी ने भी किसी को प्रपोज़ किया होगा इस, लेकिन यहाँ पर अभी आपके पर्सन की एनर्जी हम देखते हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त और आपके साथ अपने रिश्ते को वो आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, आपके पर्सन से आपकी कोई बातचीत नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपके पर्सन किस हाल में है। तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन की भी एनर्जी यही है कि वो आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ अपना रिश्ता आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपसे वो दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत वो शुरू करने के बारे में भी सोच रहे हैं। पर अगर आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था गाइस, तो अभी उनकी एनर्जी यही है कि वो आपको अब कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है गाइस, ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए हैं और आपके साथ उन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म किया है। ऐसी भी एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है कि वो किसी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं। तो यहाँ पर अभी भी आपके पर्सन की भी एनर्जी वही है गाइस कि वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी में वो गए तो थे लेकिन वहाँ पर वो खुश नहीं दिखाई देते, आपके पर्सन वहाँ दर्द में दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपके साथ अपना रिश्ता दोबारा से ठीक कर लेना चाहिए, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में वो भी सोच रहे हैं जो लोग थर्ड पार्टी में चले गए थे और वो थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और इसका रीज़न ये है गाइस कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखती है, जबकि आपके पर्सन चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से वो सब कुछ करें, लेकिन ऐसा वहाँ पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी के हिसाब से आपके पर्सन को चलना पड़ता है और यही कारण है कि थर्ड पार्टी के साथ वो खुश दिखाई नहीं देते। वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से वो जीना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें आज़ादी नहीं है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में उन्हें रहना पड़ता है। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ इसीलिए बढ़े थे गाइस क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा दिख रहा था। उस समय आपके पर्सन सिर्फ लालच की वजह से ही इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं क्योंकि इन्हें ऐसा ही समझाया गया कि उनके साथ रहकर ही इन्हें सब कुछ मिलने वाला है, थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे तो वो फ़ायदे में रहेंगे। और आपके पर्सन भी अपना फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखते हैं, ऐसा दिखाई देता है, कहीं पर भी वो अपना नुकसान नहीं चाहते थे और यही कारण है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था। लेकिन थर्ड पार्टी में जाने के बाद ही उन्हें उस थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आई है, थर्ड पार्टी की क्या सच्चाई है, असली चेहरा क्या है, जो बताया गया था वहाँ वैसा कुछ नहीं है। ये अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है और इसी वजह से उनका ध्यान अब आपकी तरफ है। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, थर्ड पार्टी से किसी भी तरह निकल जाएं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक वो महसूस करते हैं। आपके साथ कॉन्टैक्ट करें, आपको किसी भी तरह मना लें, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन कुछ आइडिया सोच रहे हैं गाइस किसी तरह आपकी तरफ बढ़ने के लिए क्योंकि पास्ट में आपके साथ अपना रिश्ता उन्होंने ही ख़राब किया था, उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। तो आपके पर्सन इसी वजह से नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ना है, आपको मनाना है, ऐसी एनर्जी उनकी है। और आपके पर्सन ये भी जानते हैं गाइस कि आप उनसे नाराज़ हो, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, आपको हर्ट किया उन्होंने, इसकी वजह से आप उनसे नाराज़ हो, ये भी वो जानते हैं और इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ने से डर भी रहे हैं कि आपसे क्या कहेंगे, किस तरह आपसे बातचीत शुरू करें वो समझ नहीं पा रहे हैं और इसके लिए नए नए आइडिया वो ढूंढ रहे हैं। आपके पर्सन अब आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं गाइस कि क्यों उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था और आपको छोड़ दिया था, ये सारी बातें वो आपको बताना चाहते हैं और यही कारण है कि वो आपसे किसी भी तरह कॉन्टैक्ट अब करना चाहते हैं, जो भी उनके दिल में है आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई देता है गाइस कि बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, अलग स्टेट्स में, अलग कंट्री में, या अगर आप एक ही स्टेट के भी हो
तो भी आप लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा नहीं हो पाता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोगों में दूरियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। आप यहाँ पर मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो गाइस, आप वेट भी कर रहे हो कि आपसे आपके पर्सन अब किसी भी तरह आपसे कांटेक्ट कर लें। बहुत टाइम से आप दोनों की बातचीत हुई नहीं, तो आप भी चाहते हो कि उनके दिल में क्या है वो आपको बताएं, आपके साथ अब वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं वो आपको बताएं, ये आप चाहते हो। आप यहाँ पर वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पर आप अगर परेशान हो गाइस तो आप ये मत सोचिए कि आपके पर्सन वहाँ खुश हैं, उनका भी यही हाल है। आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। वो चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट कर लो, क्योंकि वो तो डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। वो चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन वो डर भी रहे हैं, जो पास्ट में उन्होंने गलतियां की है जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट करने से डर भी रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट कर लो। तो यहाँ पर वो भी आपके कॉल मैसेज का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो भी आपसे बात नहीं हो रही है इस वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके भी दिल में चल रहा है कि वो बहुत कुछ आपको बताएं, क्योंकि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उसकी क्लैरिटी वो देना चाहते हैं आपको, तो वो भी आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी उनकी भी है। तो अगर आप यहाँ पर परेशान हो तो आपके पर्सन भी खुश नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस जो आपको खोना नहीं चाहते, और आपके पर्सन की एनर्जी ये भी है गाइस कि वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, तो उन्हें डर भी लगता है कि अगर वो अब देर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई और ना आ जाए। और कभी कभी आपके पर्सन को ये लगता भी है कि अब अगर आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो शायद कि आपको कोई और मिल गया है, ये भी उन्हें लगता है। और वो यही सोचते हैं कि उन्हें अब जल्दी से जल्दी आपसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इसका रीज़न यही है गाइस कि आपके पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं गाइस कि आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, आप दोनों फिर से साथ आ जाओ। आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन जो गाइस पास्ट में हुआ है अब वो सब भूलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अब वो आपके साथ रिश्ते में आए तो फिर वही बातें हों, पुरानी बातों को आप लोग याद करो और फिर से आपके लड़ाई झगड़े हों, ऐसा आपके पर्सन नहीं चाहते। आपके पर्सन चाहते हैं कि पुरानी बातों को भूल कर आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। अभी आपके पर्सन का ध्यान बहुत ज़्यादा अपने पैसों पर है गाइस, अपने पैसों पर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जॉब या बिज़नेस वो जो भी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत अभी आपके पर्सन कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि उनको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा डिले चल रहा है गाइस, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको वेडिंग प्रपोजल भी आपके पर्सन देना चाहते हैं। और अभी आपके पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रहे हैं गाइस, ऐसा दिखाई देता है। या तो उनको हेल्थ इशू है, या उनकी फैमिली में किसी को हेल्थ इशू है, ऐसा यहाँ पर है। और आपके पर्सन थोड़े परेशान भी इसी वजह से हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम अभी दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी परेशान हैं, और पैसों की दिक्कत भी आपके पर्सन को दिखाई दे रही है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा वो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। आपके पर्सन को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गाइस, उनकी लाइफ में पैसा है, अच्छा घर है, उनका बिजनेस है, जॉब है, जो भी वो करते हैं सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को अभी लग रहा है गाइस कि कुछ तो कमी है और उनके पास होना चाहिए था। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि जो उनकी इनकम थी अभी उससे कम हो रही है, तो इस वजह से आपके पर्सन का ध्यान बहुत ज़्यादा है अभी अपने पैसों पर। आपके पर्सन मुझे वेल्थी पर्सन दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यही लग रहा है कि उनके पास जो कुछ भी है उससे ज़्यादा होना चाहिए, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस पर वो जॉब पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं गाइस, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपसे मिलने के लिए आएं। आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस कि वो आपको वेडिंग प्रपोजल भी देना चाहते हैं, किसी भी तरह वो आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपकी बात उनसे होगी, लेकिन वो सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो गलतियाँ उन्होंने की है इस वजह से बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं और नए नए आइडियाज़ वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरह आपसे कांटेक्ट किया जाए, किस तरह आपकी तरफ बढ़ा जाए। इस वजह से आपके पर्सन अभी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपसे कांटेक्ट वो करेंगे। तो यही रीडिंग है गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।